से मैं उनका भाषण सुन रहा था, जनता में तो वो जाते ही नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारे जयंत जी को साथ में बिठाया है। देखा था ना जयंत चौधरी जी को बिठाया था, दिखाए अबे जयंत चौधरी जी को ऐसा ले, सरकार बरकार तो बननी ही नहीं है, समझ कर चलना, नहीं बननी है। अगर जयंत चौधरी जी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू, किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा? सुनेगा भाई? देखो अगर गलती कर दी, बननी नहीं है सरकार, मगर सपा की सरकार बन गई तो दूसरे दिन जयंत बाबू चले जाएंगे और आजम खान जेल से निकलकर वहां बैठ जाएंगे। एक और मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दो, हमारे संजय युवा नेता को एक आशीर्वाद दे दो। अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य होगा मित्रों। बताओ मुझे, संजय शर्मा को आशीर्वाद दोगे? अरे आप जोर से बोलो जरा, दोगे क्या? कमर के निशान पर बटन दबाओगे? योगी जी के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? देखो भाई, कमल पर बटन तो जरूर दबाना, मगर कमल के बटन पर उंगली इतनी जोर से दबाना कि बटन अनूप शहर में दबे और जेल में आजम खान को झटका लगे। दबाओगे क्या? पक्का? आपने तो हमें मैंडेट दे दिया, मगर हमने भी कुछ वादे किए थे। हमने कहा था कि 2017 में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनाओ, हम उत्तर प्रदेश से माफियाओं का नामो निशान खत्म कर देंगे। कहा था या नहीं कहा था? जोर से बोलो, कहा था या नहीं कहा था? आज मैं पूछने आया हूं, भाइयों बहनों माताओं बताओ, आजम खान कहां है? जोर से बोलो, कहां है? अतीक अहमद कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? और अगर आपने गलती कर दी तो जेल में रहेंगे? रहेंगे? कल अभी तो नामांकन किया है, अखिलेश बाबू यहां आए, उनके गुंडों ने तांडव किया है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, अपने आपे में रहिएगा, घर में रहिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 साल के अंदर माफियाओं को चुन चुन कर उत्तर प्रदेश के बाहर निकालने का काम किया। माताओं भाइयों बहनों, आज पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर भी माफिया दिखाई पड़ता है तो 3 ही जगह पे माफिया दिखाई पड़ता है, 3 जगह। एक तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, दूसरा जेल में है और तीसरा समाजवादी पार्टी की विधायकों की, प्रत्याशियों की सूची।